कोऑपरेटिव बैंक्स को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और समाज के लिए और अधिक कल्याणकारी भूमिका ये कोऑपरेटिव बैंक्स निभा सकें, इसके लिए सतत प्रयत्न कर रही है। और वैसे तो बैंक भी अपना काम करते हैं, लेकिन आजकल बैंक को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि फलाने इतना कर्ज ले लिया और चला गया, भग गया बाहर, भारत के बाहर भग गया। लेकिन हमने देखा कि हम लोगों ने मुकम्मल उसकी व्यवस्था भी की है। पैसा लेकर जो बाहर भागने वाले लोग हैं उनके लिए एक ऑर्डिनेंस भी हम लोगों ने जारी कर दिया है और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स ऑर्डिनेंस जारी किया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा लेकर जो बाहर चले गए हैं उनको भारत आना पड़ेगा और उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे लोग इतना अधिक कर्ज लेते हैं कि बैंकों की माली हालत जो है गड़बड़ हो जाती है, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की घोषणा करनी पड़ती है। यह सब सारे संकट पैदा होते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो उस समय जनता को एक भरोसा पैदा हुआ था उसके मन के अंदर कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, अब देश की जनता को बैंकों के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाने के बावजूद आम जनता को बैंकों से जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया। लेकिन आज मुझे यह कहकर यह खुशी हो रही है, कहां बीच में जा रहे यार, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका कि भारत की बैंकों में अथवा कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट न हो। यह सुनिश्चित करने का काम पहली बार किसी ने किया है हमारे प्रधानमंत्री। हम लोगों का यह मानना था कि बैंकों के नेशनलाइजेशन से काम नहीं हो पाया है, इसलिए बैंकों का अब जनरलाइजेशन होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण नहीं अब सामान्यीकरण होना चाहिए। और मेरे पास जो है जनहित से जुड़ा मुद्दा कोई शेष नहीं बचा है, इसलिए अनावश्यक इधर उधर के मुद्दों को लेकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सर वो कह रहे रात को 2 बजे उनको हटाया गया, तमाम आरोप लगा रहे राहुल गांधी सर डायरेक्ट। भाई ऑलरेडी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आज ही जो है फैसला आया है, तो अब कोई एक अथॉरिटी उसकी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ मनाया जा रहा है और पकड़े गए भी ने उसका उद्घाटन किया, कुछ कहीं कृषि कुंभ आज उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कृषि कुंभ की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।